अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके? सब ठीक है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो सबको मेरी तरफ से। आज सुबह हम लोगों ने नाश्ता जल्दी कर लिया था, तकरीबन 9 बजे, 9-10 बजे तक नाश्ता कर लिया था। तो आज जुम्मा था, आज जल्दी उठ गए थे क्योंकि जुम्मे के लिए जाना था मेरे हस्बैंड ने, और फिर आज मेरी बेटी का भी हाफ डे था, मैं जल्दी वापस आना था, इसलिए मैं उसके आने से पहले पहले कोशिश करती हूँ सारे काम ख़त्म कर लूँ, तो वो आया तो फिर उसको मैं टाइम दे सकूँ। तो अभी उसको भूख लग रही थी, तो उसने ट्यूशन जाना है मेरी बेटी ने, तो कहते मम्मा मुझे भूख लग रही है, तो अभी जल्दी जल्दी मेरे पास यही पड़े हुए थे तो मैं इनको फ्राई करके देने लगी हूँ, फिर उसने ट्यूशन जाना है तो ये मैं फ्राई करने लगी हूँ। ऑयल मैंने रख दिया कढ़ाई में डाल के, ये मैं डाल के चेक करने लगी हूँ कि ऑयल गर्म हुआ कि नहीं हुआ। बाकी आप लोग सुनाएं कैसी लग रही हैं आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर बताया करें, इससे बंदे को एक तो मोटिवेशन मिलती है कि अच्छे अच्छे कमेंट्स आएँ और लाइक करें और कमेंट्स आएँ, इससे मोटिवेशन मिलती है, वैसे भी फिर बंदे का दिल करता है और बंदा वीडियोस बनाए। बाकी कैसी गुजरी है सबकी? सर्दियाँ आ गई हुई हैं तो माशाल्लाह अच्छा माहौल हो गया हुआ है, मतलब कि खाने पीने का भी ये कोई मसला नहीं है, वैसे भी पकौड़े बना के खाएँ जो मर्ज़ी खाएँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। गर्मी में तो ये होता है कि कोई भी इस तरह की चीज़ फ्राई खा लेंगे तो फिर प्यास ही नहीं ख़त्म होती। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह भी ये ठीक हो गया, मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो गया होगा। तो वैसे हमारे शहर में तो बारिश हुई है लेकिन ठीक है मौसम, लेकिन लाहौर में वो आज न्यूज़ में बता रहे थे कि लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मोग हुई हुई है। तो अल्लाह ताला सबको अपने अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबके घरों में हर वाफियत रखे। ये देखें ऑयल अभी फ्राई नहीं हुआ, देखें उसके अंदर ही ना उसने ख़राब हो जाना है। मैं इसका वो निकालने के लिए चिमटा ले लूँ, ये ले जी, ये मैं छन्नी ले आई जिससे मैंने निकालना है इनको। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, मैं एक और डाल के चेक कर लूँ क्या ऑयल गर्म हो गया कि नहीं। मेरे हिसाब से तो हाँ जी हो गया गर्म। अब मैं बस डालती जाती हूँ निकालती जाती हूँ, क्योंकि अगर इनको ज़्यादा टाइम रखेंगे ना तो ये ना जलना शुरू हो जाता है, ब्राउन ब्राउन हो जाता है। ये ले झटपट सा स्नैक रेडी हो गया बच्चों का। अब इसके मैं हल्का हल्का चाट मसाला डालनी हूँ तो उससे थोड़ा ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। ये देख झटपट से फ्राई कर दिया मैंने बच्चों के लिए। वेट अ मिनट, ये हमारे मोहल्ले में सात वालों के घर क्या था? मिला था। तो उनके घर से ही आए हैं चावल, और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बैठ गए चावलों के पास। मैंने उन्हें बोला मुझे 2 मिनट दे देना, मैं ये वीडियो बना लूं। आज मैं बना रही हूँ दाल माश, इसके लिए मैंने मसाला रखा था जिसमें प्याज लहसुन और टमाटर डाल दिए थे, वो हो गया। तो अब इसमें मैंने ये जो चॉप किया हुआ अदरक और हरी मिर्चियाँ वो डालने लगी हूँ। तो और मैं आपसे आगे बातें कर रही थी, जब कह रही थी कि ठंडा हो गया मौसम, तो थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ बारिश हुई है इधर, तो उस वक्त मैं ना बच्चों के साथ बिजी थी तो मैंने शूट करना था, उस टाइम में दिखाती है आपको बड़ी तेज़ बारिश हुई है, उसे एकदम इतनी ठंड हो गई हुई है। तो और ये लंजी मेरा ये तकरीबन हो गया, मैं इसमें इधर और अदरक हरी मिर्च डालती हूँ, तो साथ में मसाले डाल के दाल डालती हूँ। ये देखिए मैंने इसको लगाया था तकरीबन 3 से 4 मिनट को मैं प्रेशर लगाया, देखिए माशाल्लाह मेरी दाल रेडी हो गई है, और ये दाल रेडी हो गया। अब इसके अंदर मैं लास्ट में इसके अंदर तबल धनिया डालने लगी हूँ, और ये मेरी जो है ये रेडी हो गई है दाल, ये देखें माशाल्लाह दाल रेडी हो गया। और ये मेरे जो शहजादे साहब हैं साहबजादे, वो कहते हैं कि मम्मा मुझे दें तो मैं इसके अंदर ना डोई चलाऊँ, तो ये देखें माशाल्लाह दाल रेडी हो गई। इतना ही मुझे इसके अंदर पानी चाहिए क्योंकि ये लंबी जो शोरबा है वो नहीं इसके अंदर चलता है, ऐसी दाल ही अच्छी लगती है। ये देखिए ये मेरे बच्चों का टेबल था, ये मेरी बेटी का टेबल था, और मेरे शहजादे ने सारा ख़राब कर दिया। ये देखें इसके ऊपर अब हम लगाने लगे हैं दूसरी टेप, इसके ऊपर लगाने लगे जो वॉल स्टिकर्स नहीं मिलते वो इसके ऊपर लगा के इसको न्यू करने लगे हैं। ये देखें जो वॉल स्टिकर्स नहीं होते, ये रोल था पूरा स्टिकर का, तो ये हमने इसके ऊपर अब लगा के जैसे हमने जो अपना टेबल है वो न्यू कर लिया। ये मेरे शहजादे ने ये कंधे काम किए टेबल ख़राब किया, ये मेरी प्रिंसेस का टेबल था जो अब हमने न्यू कर लिया।
अच्छा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट्स करके, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।